ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को गोली लगी, 2 फरार। इलाहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांटेड क्रिमिनल राजा पांडे को गोली लगी। बांदा के हथौरा मदरसे में पढ़ने वाले 7 छात्रों को एनआईए का समन, कश्मीर में पकड़े गए आतंकी आशिफ से कनेक्शन का शक। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आशिफ भी बांदा के उसी मदरसे का छात्र था। छात्रों से पूछताछ में मिल सकते हैं अहम सुराग। पहले भी एनआईए टीचर समेत 9 लोगों को दिल्ली बुला चुकी है। एनआईए की डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर चौधरी भी मदरसे का दौरा कर चुके हैं। यूपी के मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला दीपक तिवारी गिरफ्तार। आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट और अन्य चीजें भी बरामद। यूपी के कन्नौज में निजी स्कूल की गुंडागर्दी, फीस जमा न करने पर बच्चे को स्कूल में बंधक बनाया, डीएम एसपी ने दिए जांच के निर्देश। यूपी के बहराइच में पुलिस ने महिला की मौत का मामला सुलझाया, पति ने ही की थी हत्या, लूट की कहानी बनाकर किया गुमराह। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारी, मौके पर हुई मौत, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। मुजफ्फरनगर में गृह कलह से तंग आकर महिला गंग नहर में कूदी, सुसाइड नोट में पति को ठहराया मौत का जिम्मेदार। यूपी के हरदोई में नाराज युवक ने अपने फूफा को गोली मारी, गंभीर हालत में पाली रेफर, आरोपी हिरासत में। अमरोहा के गजरौला रेलवे स्टेशन पर महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 5 नक्सली मार गिराए गए, के 47 राइफल बरामद। राजस्थान के चूरू में शर्मसार करने वाली घटना, हेडमास्टर पर 5वीं क्लास की दलित छात्रा से रेप का आरोप। बिहार के हाजीपुर में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या, 2 साल पहले हुई थी शादी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फिरोजाबाद में एक ट्रक से 90 पेटी अवैध शराब बरामद, हरियाणा से लाई गई थी शराब, आरोपी से पूछताछ। पानीपत में 4 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या, नहर से मिला शव, अभी तक कातिलों का सुराग नहीं। बीकानेर पुलिस ने 90 लाख रुपए की अवैध शराब नष्ट की, 1.5 साल में 14 ट्रक अवैध शराब जब्त की गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में बंदर ने 10 बच्चों और महिलाओं को घायल किया, वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मुशक्कत के बाद पकड़ा।